गुजरांवाला का पहलवानी चरगाह है, ऐसी बात है। तो साथ में ये है तरक्की के राह, डालो भाई इसमें मशरूम। तो ये देखें फ्राई जो है हमारी मायोनीज़ में डिप हो गई है। अच्छा, ये इनकी सिर्फ एक ख़ास बात मुझे अच्छी लगती है, जो इनकी जो मायोनीज़ है ना वो ख़ुद की बनी हुई है, तो बहुत ही मज़ेदार और इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा हट के मिलता है आपको। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम आए हैं गुजरांवाला में रेड किंग पर, जो कि गुजरांवाला में 4th स्ट्रीट में मौजूद है। इनकी दो चीज़ें बहुत ही फेमस हैं, एक जिंगर फ्राइज और दूसरा जिंगर थाई पीस, जो कि काफ़ी क्रिस्पी होता है, इसके ऊपर क्रम्स लगे होते हैं। तो वो क्रम्स कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे और इसका टेस्ट कैसा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मज़ेदार से क्रम्स ही जो फ्राइज है वो कैसे बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम थाई पीस को दिखाते हैं। अच्छा, इन्होंने मैरिनेट किया हुआ गोश्त जो है वो पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है और इन्होंने मैदे में डाला है और ये देखें मसल रहे हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा मसलने के बाद भाईजान क्या करेंगे, अब पानी में डिप करेंगे। ठीक हो गया, तो पानी भाईजान कह रहे हैं बिल्कुल सादा है। सादा से मुराद यानी कि ठंडा नहीं है, क्योंकि हम जब रेसिपीज़ बनाते हैं तो उसमें हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं ताकि क्रम जो है ना वो अच्छे से बनते हैं, लेकिन ये सादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मैदा जो है ना वो खुले और बड़े बर्तन में ज़्यादा मकदार में मौजूद है मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि हम जब क्रम्स बनाते हैं ना तो हमारे पास मैदा और बर्तन जो है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें दोबारा से दूसरी दफ़ा ये भाई डिप कर रहा है और ये देखें ये मैरिनेट करके रखा हुआ है इन्होंने थाई पीसों को, ये चिकन के थाई पीस हैं और फ्राई जो हैं वो आलू की जो फ्राइज होती हैं उसे भी इसी तरह से क्रम्स लगाएँ, यानी कि इन्होंने एक दफ़ा इसे मिक्स करना है मैदे के अंदर और डिप कर देना है ना। तो यहाँ पे ये देखें दूसरी दफ़ा ये देखें क्रम्स, क्या बात है जी, माशाल्लाह ये देखें क्रम्स कैसे खूबसूरत बने हैं। तो ये देखें ये साथ में ऑयल में डिप कर रहे हैं, दो दफ़ा इन्होंने मसला है, और साथ में ये देखें कुछ पीस इन्होंने निकाल के भी रखे हुए हैं, ये हाफ डन किए हुए हैं इन्होंने। तो इसके बाद जो है दोबारा से वो फ्राई करेंगे तो अच्छे से अंदर तक जो है वो पीस हमारा थाई का गल जाएगा, पक जाएगा। तो ये मैदा अपना साफ़ भी कर रहे हैं छान के, ये देखें फ्राई जो है वो फ्राइज को भी इसी तरह क्रम से लगाएंगे, यानी कि इसी तरह बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। तो ये देखके में क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें इन्होंने मक्खियों की हिफाजत के लिए ना माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि मक्खियाँ जो है ना वो काफ़ी चिपकती हैं, तो इससे मक्खियों की बचत हो जाती है। तो चरगे की लुक देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, ज़बरदस्त है, गुजरांवाला का पहलवानी चरगाह है। क्यों भगवान जी, ऐसी बात है। अच्छा जी, प्लेटर हमारा इन्होंने इस तरीके से तैयार करके दिया है, ये देखें साथ में दो थाई पीस हमने लगवाए हैं और ये समाल फ्राइज है, लोडेड फ्राइज जो कि क्रम्स वाली हैं। अच्छा जी, ये देखें क्रम्स भी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और इस तरह प्लेटर हमारा तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में हमें मिला है सलाद मिल जाता है और प्याज है, लेकिन आप अपनी अपनी मर्ज़ी है आपकी लगवा सकते हैं। ये हम टेस्ट करते हैं, दिखने में ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, इस तरह से बनेगी हमारी बाइट्स। ये देखें फुली लोडेड, ज़बरदस्त यार। ख़ास तौर पे ये जो जैतून का ऊपर हमें टेक्सचर मिल जाता है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है, और मायोनीज भी इनकी फ्रेश है। अच्छा, साथ में ये देखें ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अंदर से ना ये वाइट होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने ना खुद कह के रेड करवाया है, थोड़ा सा वही रेड करना है इसे। फ्राइज को भी मैंने थोड़ा सा रेड करवाया है, आप देख सकते हैं, ये देखें ये रेड है,
तो इसका कच्चापन जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। हो जा फोकस। असल में चम्मच को ना फोकस नहीं कर रहा, तो मैं एक हाथ में मेरे कैमरा है और ये फोकस हो जाए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये देखें ज़बरदस्त। तो ये देखें भाईजान बना रहे हैं अपनी बाइट्स, क्या बात है यार, ज़बरदस्त हो गए हैं। हल्की फुल्की भूख में हल्के फुल्के क्रम्स, क्या बात। तो यहाँ पे ये देखें जिंगर का हम पीस लेंगे और वाइट सम बनाएंगे इस तरह से। ये देखें क्या बात है यार, ओए ओए ये देखें। तो साथ में ये है तरक्की के राज, डालो भाई इसमें मशरूम। और वीडियो का अख्ताम भी हम यहीं पे करते हैं, क्या बात है ये देखें हैं, मशरूम पे गैस भरा हुआ है उन्होंने। उस्ताद जी, तो वीडियो का अख्ताम हम कर देते हैं यहीं पे इस प्यारी सी बाइट्स पे, क्योंकि हमने खाना है बड़े मज़े के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।